बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का वेट कर रहे समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों, सभी परीक्षार्थी जिनका अभी तक बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेकंड लिस्ट का वेट बेसब्री से कर रहे हैं। साथियों, आपके लिए काफ़ी दिनों से बीएसटीसी की होम साइट के ऊपर एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट होम साइट पर दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, स्पष्ट कर दें आपको कि समन्वयक और पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर जो नोडल एजेंसी है बीएसटीसी की, इन्होंने अब के बार एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दो आरक्षण के चलते जो आरक्षण संबंधी दस्तावेज हैं उनका ऑनलाइन प्रमाणीकरण मांगा है, और इस प्रमाणीकरण की जो अंतिम डेट है वो 29 तारीख इसी महीने की, अगस्त महीने की जो 29 तारीख है वो रखी गई थी, और इस संबंध में डाइट स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करवा करके और जिला स्तर पर इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। साथियों, डाइट स्तर पर इस कार्य को पूर्ण करके और इस संबंध में जो मेल है वो बीएसटीसी शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को भेज दी गई है। डाइट स्तर पर जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उनकी जिम्मेदारी थी कि संपूर्ण ज़िले में जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें जितने भी नव प्रवेशित परीक्षार्थी हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनकी संपूर्ण और गहन जाँच की जाए, और जाँच के उपरांत उनमें जो कोई भी कमी पाई जाती है उनके लिए एक फॉर्मेट दिया गया था, और उस फॉर्मेट में संपूर्ण जानकारी देने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्तर पर एग्जैक्ट रिपोर्ट की मेल तैयार करके भेजने की डेट 29 तारीख रखी गई थी। साथियों, इसमें जितने भी नव प्रवेशित परीक्षार्थी थे उनके किन किन दस्तावेजों में कमी पाई गई है इसकी रिपोर्ट डाइट स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी ने मेल के द्वारा शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को भेज दी गई हैं। अब शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर जो कि बीएसटीसी की नोडल एजेंसी है इनके द्वारा इन दस्तावेजों की रैंडमली जांच की जा रही है, और जांच के बाद में जितने भी परीक्षार्थी अपात्र पाए जाते हैं उनकी अब एक अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए साथियों, आप थोड़ा वेट करें, ये आपके लिए काफ़ी हितकारी भी रहेगा, क्योंकि अब बीएसटीसी की जो लिस्ट आएगी वो बिल्कुल फाइनल लिस्ट होगी। इसी वजह से इस प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है, और जिन कैंडिडेट्स के दस्तावेज़ अपूर्ण हैं उनको अपात्र घोषित करके, और संभावना यही जताई जा रही है कि लगभग 3 से 4 हज़ार सीटों पर यह लिस्ट आ सकती है, तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी लिस्ट हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। और अंत में आपको बता दें कि जो ये लिस्ट है वो जल्दी 2 सितंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। साथियों, 2 सितंबर को देर रात तक यह लिस्ट हो सकता है अपलोड हो जाए, अन्यथा आपको फिर से नोटिफिकेशन भी मिल सकता है आपके कॉलेज चॉइस अपडेट का। यदि सीटों की संख्या ज़्यादा खाली रहती है तो आपको चॉइस अपडेट करने का मौका भी दिया जा सकता है, लेकिन साथियों ज़्यादा संभावना यही है कि 2 सितंबर देर रात तक आपको अंतिम सूची देखने को मिल सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल अभी तक जिन साथियों को कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है वे अपने कॉलेज से लगातार संपर्क में रहें कि उनकी क्लासेस जो स्टार्ट होने संबंधी नोटिफिकेशन अभी बीएसटीसी द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट अपडेट हो उसके लिए आप अपने कॉलेज से लगातार संपर्क बनाए रखें। सेकंड लिस्ट के संबंध में आगे जो भी अपडेट आएगी उसके लिए हम आपको तुरंत अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो पीजीटी और बीएसटीसी रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों
PTT और BSTC की इस सीरीज की आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको BSTC और PTT क्लासेस कोर्स और इसी के साथ में आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इंटर्नशिप में आपको स्कूल अलॉटमेंट कैसे किया जाता है और लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है, इन तमाम रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे ज्ञानधर हरसोली चैनल के साथ में और प्रत्येक अपडेट्स तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हरसोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।